बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। आज बरोज जुम्मा हर खबर बहुत तगड़ी है और आज के व्लॉग की सबसे अहम तरीन स्टोरी जो आखिर में आपको लेकर बताएंगे कि कल के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एमरजेंसी कॉन्फ्रेंस थी, गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी, रूटीन से हट के कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पाकिस्तान के तमाम फौज के तमाम कोर कमांडर्स मौजूद थे सवाए कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज हमीद के। जनरल फैज हमीद पाकिस्तान में होने के बावजूद क्यों नहीं थे, आम खबर। और कल से काफ़ी मीडिया के अंदर रात गए चल भी रहा था बड़ा सस्पिशियस वे में, क्या है उसका हमें जवाब मिल गया कि जनरल फैज कहाँ थे। वहाँ तक जाएंगे जरूर, उससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। दीगर अहम तरीन खबरें वो तमाम की तमाम आपके साथ शेयर करनी है, तो विदाउट किसी तमहीद के जुम्मे का देना, तो ज़रा आप सारी चीज़ें आपके सामने रखते थे, अहम है तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने, जो आपके साथ शेयर करने। जी सबसे पहले जी, हुकूमत कल तक मेडल्स की तकरीबात कर रही थी जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। रोज़ कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं या नहीं है तब भी हो रहा है। कतर के दौरे हो रहे हैं जी, और दूसरी तरफ हुकूमत बिजी है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर FIR करवाने में, किसी तरह उनको नाअहल कराने की कोशिशें करने में, यानी मुसलसल हुकूमत उलझी हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपने तमाम FIR और पर्चों से जब थोड़ा सकूत इख्तियार किया तो अब आए अपने असल काम पर, वो है रफाए आमा वाले काम। खान साहब आज सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। PTI चेयरमैन डेरा गाजी खान राजनपुर का वो दौरा करेंगे, और ये दौरा ऐसा नहीं है सिर्फ कि हवाई दौरा हेलीकॉप्टर पे करके तस्वीरें ली, नहीं ऐसा नहीं है। इमदादी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर जायजा लेंगे। CM पंजाब उनके साथ होंगे, उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी जी। मुतलका अराकीन असम्बली उस मौके पर मौजूद होंगे, पार्टी अहदेदारान और इंतजामिया से ब्रीफिंग ली जाएगी, और भरपूर तरीके से इमदादी पैकेज और उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, उसके तहत इमरान खान साहब आज से खुद फील्ड के अंदर मौजूद होंगे जी। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान, जहां PTI की नुमाइंदगी तो है लेकिन हुकूमत नहीं है, उससे मुतलिक पार्टी अहदेदारों को भरपूर मदद की हिदायत भी कर दी गई है कि हर लिहाज से, और खान साहब ने कहा मैं इसकी रिपोर्ट खुद लूंगा। सखर और कराची के दो जलसे थे, डेफिनेटली इन ये जलसे इमरान खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वहाँ इलेक्शन है और इन दोनों इलेक्शंस को इमरान खान साहब ने जलसों को कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट फेज इसके बाद KP का होगा, ये होती है किसी लीडर की प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरी तरफ एक दौरा शहबाज शरीफ साहब ने भी कैंसिल किया सैलाब की वजह से, वो था लंदन का दौरा, भाई से मिलना था, माफ़ी मांगनी थी, एक्सक्यूज़ लेने थे, और टीम ने माफ़ी मांगनी थी कि भाईजान ऐसा ना करें, भाईजान ऐसा ना करें, और उन्होंने कहा जी सैलाबी हालात की तरफ देखें। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा डोंट कम, अभी नहीं आओ मेरे पास, ठीक है मैं ज़रा सोच लूँ इसहाक डार साहब के साथ मिलके। ये मैं आपको बहुत क्रोल सर्कल की खबर दे रहा हूँ, हवाई बातें नहीं मैं करता, बिल्कुल हवाई बातें मैं नहीं करता, मैं क्लोज तरीन सर्कल्स की भी बात कर रहा हूँ जिनके थ्रू मुझे तक ये बात पहुँची, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जी। मैं सादा अल्फाज अगर मैं आजकल बहुत चल रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो परवेज़ अलाई साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अच्छा जी, थोड़े रिलक्टेंट थे, और वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हुआ ना उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया जी। किस तरह दिखाया जी, फवाद चौधरी साहब ने भी इमरान खान के साहब के अल्फाज, फवाद चौधरी साहब ने भी पंजाब हुकूमत और पंजाब के वज़रा और MPS और KP के हुकूमत और KP के वज़रा MPS को दिया था। तो रंग ये हुआ कि जी 10 सीटों वाले वज़ीर आला जी परवेज़ अलाई दारे मुस्लिम लीग काफ की 10 सीटें, और रिस्क वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी पता है कि ज़िंदगी में 10 सीटें रख के वज़ीर आला पंजाब बनना ये दोबारा नहीं होगा, तो इसको किसी तौर पर इमरान खान साहब से टक्कर भी नहीं लेनी। मुझे पता है मैं थोड़ी सी लथार्जी गुफ्तगु कर रहा हूँ उनसे मुतल्लिक, खैर उन्हें नहीं लेनी जी, ऑल्दो के एस्टेब्लिशमेंट के आगे तो वो बैठ सकते हैं लेकिन खान साहब का इस टाइम वो कर नहीं सकते और करना चाहिए भी नहीं है जी। तो उन्होंने बड़ा काम किया परवेज़ अलाई साहब ने, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि परवेज़ अलाई साहब ने बाकायदा बड़ा काम किया जी। अपना होम टाउन उनका गुजरात, वहाँ उन्होंने राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराई है परवेज़ अलाई साहब ने, ठीक है जी। मोनस अलाई ने रात गए राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया जी, ठीक है। 780A की FIR है जी, और राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पंजाब में घुसे अब जी। मोनस अलाई ने उनकी गिरफ्तारी का इंदिया भी कल ट्वीट के जरिए, और किस शख्स ने FIR दर्ज कराई ये बताऊँ, शाहकाज असलम नामी शख्स है जी, और थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात का,
और उसका वतन यह है कि मौजूद अदलिया और सरकारी अफसरान को डराया धमकाया। एक प्रोग्राम में उनकी पिछली रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसी को उन्होंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो जिसकी बिना पर मुझे बड़ा डर लगा और मुझे बड़ा दुख हुआ, तो उनके खिलाफ ये हो तो दहशतगर्द फैली है मेरे अंदर। तो इस हवाले से राना सलाना साहब की गुफ्तगू भी तो कम माशाल्लाह नहीं रही ना, 4-5 महीने पहले तक तो उसी को बनाया। अच्छा, शाकाज नामी शहरी कह रहे हैं, शाकाज नामी शहरी नहीं है, मैं आपको मैं परवेज इलाही साहब की जरूरत की बात करूँ। परवेज इलाही का घर है ना चौधरी जहूर इलाही रोड पर, रोज़ मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरती है, तो ये नाम मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था, मैं शाकाज असलम नाम है। तो उनके घर के बाहर एक शख्स की तस्वीर लगी है बहुत बड़ी, वो है शाकाज असलम, यानी गुजरात में इनका बहुत चहीता आदमी है। तो परवेज इलाही साहब ने डायरेक्ट इनिशिएटिव पकड़ा राना सनाउल्ला के ऊपर FIR करवाने का, अपने चहीते आदमी से FIR दर्ज करवाई है। तो ये जहन में रखें, कोई मजिस्ट्रेट नहीं था, कोई पटवारी नहीं था, रात गए किसी कोई एजेंसी का कोई बंदा नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो परवेज इलाही साहब ने खुद आगे बढ़ के छक्का लगाया, यही छक्के भी आगे भी सुन ले जी। दूसरा, लाहौर ग्रीन टाउन में दरख्वास्त चली गई है, हाँ जी लाहौर ग्रीन टाउन में दरख्वास्त चली गई है मरियम बीबी के खिलाफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ, और सेम वही दफात हैं दरख्वास्त में जो दरख्वास्त की गई है जो शहबाज गिल के खिलाफ थी, सेम वही चीज़ें जी। मरियम बीबी का तो मशहूर है, वो तो जलसों में नारे भी लगवाते रही हैं फौज के खिलाफ। अच्छा जी, तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, इन सब के खिलाफ दरख्वास्तें शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा वफाकी हुकूमत इन FIRों को भुगतेगी, उनकी इजी मूवमेंट खराब हो जाएगी, और इलेक्शन कंपेन के दौरान मजीद इनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मरियम बीबी वाली जो FIR है जिसमें मरियम बीबी नामजद होंगी, उसको बड़ा संभाल के रखना है इन्होंने। जी हाँ, वो किस मौके पर संभाल के रखना है कि अगर पुलिस वफाक ने बनीकाला का रुख किया ना बेवकूफी में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो इधर से पंजाब पुलिस जाती उमरा का रुख करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने रखना है संभाल के इस FIR को। तो इस तरीके से ये सारा काम चल रहा है। मैंने एक और खबर भी बता दूं कि इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पे इमरान खान साहब को बैन है, कोई शक नहीं है, और लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान छाया हुआ है। दुनिया के इंटरनेशनल मीडियाज ऐसे भी हैं जो इमरान खान की तकारीर को बराह रास्त लेते हैं। पाकिस्तान में पाबंदी है पैमरा की तरफ से, जी हाँ, कल RT को भी इंटरव्यू दिया है, पाबंद जिस चीज पे इमरान खान को पाबंद करते हैं, किस्मत है देखें सर इस शख्स की, ऐसे शख्स से वैसे खौफजदा हो जाना चाहिए जिस बंदी की किस्मत इतनी अच्छी हो। जिस चीज पे पाबंदी इनके लगती है ना, उस चीज की वजह से इनको रूज मिलना शुरू हो जाता है। तरीके दम एतमाद देख लें, उसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी बढ़ गई, 2/3 पे चले गए, उसके बाद आप तोशाखाना देख लें, वो 2/3 के ऊपर चले गए जी, 17 जुलाई देख लें, जिस चीज़ पर हुकूमत पंजाब की ख़त्म की वो और इमरान खान साहब और इमरान खान साहब। इधर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए हैं, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। खैर बहरहाल, मैंने आपको बताया था कि जो काम हो रहा है ना वो एक्सपोयर इमरान खान साहब को मजीद मिलता जा रहा है। इंटरनेशनल तंजीमों ने सारे मामले को टेकअप किया, तो ये बात बहुत अहम है। तो खान साहब इंटरव्यू देते जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी एक बात, सुहेल वड़ाई साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया रात को शाहजेद साहब को, तो उनकी 2-3 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दूं कि अनकरीम नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने वाले, नवाज शरीफ का जो मजामती बयानी है अब एस्टेब्लिशमेंट से हटके फौज से हटके अब सीधा अदलिया की तरफ चला जाएगा, कि ख़त लिखने वाले कि जी किसी के लिए अब रात 12 बजे अदालतें खोल देते हैं, मेरे केसेज ही नहीं खोल रहे, तो मुझे आपके साथ गिला शिकवा और बकायदा अदलिया को लत्ते लेने का उनका पूरा प्लान है कि मेरे केसेज नहीं खोल रहे। मौजूदा जजेज और सबका जजेस के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश में है नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी, इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को आने से मना भी किया। दूसरा, सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि आपको पता है सुहेल वड़ाई साहब बहुत नवाज शरीफ साहब को प्यार करते हैं, नवाज शरीफ उनको बहुत प्यार करते हैं, जी हाँ, जाती हल्का है बाप ये जी। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ मिफ्ता और शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, ठीक है, तो हम पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने कोई नई बात नहीं की, लेकिन बता दूँ, हाँ कहते हैं मरियम से खुश हैं, और इसका वैसे अंदाज़ा हो भी गया थोड़ा, कल की तलाल चौधरी आबिद शेर अली का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने आपको रिपोर्ट कर दी थी, ये वो भी यही कर रहे हैं ना, ग्राउंड बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी की, पहले आएंगे इसहाक डार साहब, फिर आएंगे नवाज शरीफ साहब, ये सारे ग्राउंड बना रहे हैं वापस आने के। तो मैं कहा ये अपडेट आपको दूँ, आखिर में बताऊँ जनरल फैज साहब बड़ी खबर थी जी, जनरल फैज की लड़ाई हो गई, फड्डा हो गया कोर में, क्या हो गया, मसला हो गया, नहीं भाई फौज में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि जनरल फैज कल नहीं थे, मैंने भी वीडियो बार बार देखी, मुझे ISPR की तरफ से आई थी तो मैंने उसको भी देखा तो नहीं थी, तो वह डेक आउट किया, डेक आउट करने के बाद पता चला जी जनरल फैज पाकिस्तान में ही अपने घर के अंदर है,
और घर भी ये मामला है, उनको COVID-19 जी हाँ कोरोना हुआ है, पॉजिटिव आया, जिसकी बिना पर वो घर के अंदर ही है, इसलिए कोई ऐसा मसला मसला नहीं है। ये इस तरह नहीं होता, ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है, पाकिस्तान के इदारे और मजबूत तरीन इदारे हैं। दुश्मन कहता है कि अगर पाकिस्तान कायम दायम है तो पाक फौज की वजह से, उसकी फौज के हवाले से वो ये कहते हैं। तो जनरल फैज़ अपने घर पर है और अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है परवरदिगार जल्द से जल्द सेहत याब करें। पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमत है हमेशा से ही यादगार है, और आने वाले दिनों में परवरदिगार उनको मजीद पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये तमाम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। सर चैनल देख रहे हैं तो इस बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मेरी और मेरी टीम को भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिले कि हाँ जो हमें देख रहे हैं उनका हमें पता भी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।